दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना गिलोला का किया गया वार्षिक निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के थाना गिलोला में आज दिनांक 4 फरवरी 2020 को पुलिस अधीक्षक द्वारा सर्वप्रथम सलामी ली गई। तत्पश्चात थाना कार्यालय के अपराध रजिस्टर, एक्टिव लिस्ट, बीट सूचना रजिस्टर, फ्लाईशीट रजिस्टर, हेल्प डेस्क आदि का निरीक्षण किया। अभिलेखों के रखरखाव, मालखाना निरीक्षण व लावारिस तथा मुकदमाती मालों के निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। थानों पर नियुक्त समस्त विवेचक गण को विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित भी किया गया। आपको बताते चले कि जनसंख्या के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में 3 से 4 हजार के आबादी पर एक बीट तथा शहरी क्षेत्र में 5 से 6 हजार की आबादी एक बीट बनाने के निर्देश दिए गए। थाना परिसर भ्रमण के दौरान आवासीय भवनों, भोजनालय, शौचालय व उठने बैठने के स्थानों को भी स्वच्छ रखने हेतु निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय परिसर, बैरक, भोजनालय आदि का निरीक्षण कर साफ सफाई रखने हेतु प्रभारी फायर सर्विस को निर्देशित किया गया। इस दौरान क्षेत्र अधिकारी एकोणा श्री तारकेश्वर पांडे, प्रभारी निरीक्षक थाना गिलोला श्री के यादव सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित रहे। श्रावस्ती से ब्यूरो चीफ पीएन पाठक की रिपोर्ट। तो क्या कमियां मिली? देखिए, आज थाना गिलोला का जो है वार्षिक निरीक्षण किया गया। इसमें जो थाने के जो भवन है, जो सरकारी संपत्ति है, जो माल मुकदमाती है, जो अभिलेख है, इन सब का निरीक्षण किया गया। साथ ही थाने पर जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे वो मानव संसाधन हो या अन्य प्रकार के संसाधन हैं, उनकी ऑडिट की गई और ये पाया गया कि थाने पर जो है अभिलेखों का रखरखाव ठीक है, बिल्डिंग का ठीक है, कुछ साफ सफाई के संबंध में निर्देश किए गए। जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको जो है इस बात की हिदायत दी गई कि आगामी होली पर्व के त्यौहार के लिए जो सतर्क रहें, अपने क्षेत्र में लोगों से बेहतर संवाद बनाते हुए होली को सफल संपन्न करें। जी, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ 1।